Ji from Nagpur. He is well known to all of you, so I'll briefly give you the introduction. He joined the Theosophical Society in 1984, and he's now the national lecturer, but he has held several posts at the society. He retired as the manager at the Food Corporation of India in 2014. For 10 years, he was the president of the Madras Theosophical of the Maratha Theosophical Federation, and he's also been part of the propagation committee of the on behalf of the Indian section. So I welcome Lokhandi Ji to continue with part two of the book written by Annie Besant, Ancient Wisdom. Today he's going to take up study on the functions of the lower mind in Hindi. Welcome, sir. थैंक यू मैम। आज इस सायं सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं और मेरा एक विस्तृत परिचय देने के लिए सिस्टर सुधा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इंडियन सेक्शन ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके सामने इस विषय पर, इस गहन गूढ़ विषय पर संवाद साधना के लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का विषय जो है वो जरा गहन गूढ़ है। तैमिनी जी ने जो सेल्फ कल्चर की किताब लिखी है, ये एक गहन आध्यात्मिक बातें जो सर्वथा सर्वसाधारण अपने को कहीं और नहीं मिलती, इसके गहराई में जाने के लिए एक अच्छा सा मार्गदर्शन इस किताब के माध्यम से उन्होंने किया है। आय के तैमिनी द्वारा लिखित सेल्फ कल्चर, आत्म साधना, इस गहन गूढ़ विषय पर हम सभी आज अभ्यास करेंगे। आज का विषय इसी पुस्तक में द्वितीय खंड में वर्णित, जैसे पहले स्थूल शरीर के कार्य, उसका नियंत्रण, शुद्धि और संवेदनशीलता, उसके बाद में वासना कोष के कार्य तथा भावनाओं का नियंत्रण एवं साधना, इन सभी विषयों पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा भाष्य किया गया है। इसी कड़ी में निम्न मनोमय कोश के क्या कार्य है, इस पर हम आज की सभा में अध्ययन करेंगे। आधुनिक जगत में विज्ञान द्वारा दिए गए विचारों में विकास संबंधी विचार सबसे महान और उपयोगी है, किंतु शुरुआत से ही वैज्ञानिक विचार को भौतिकवादी झुकाव दे देने के कारण यह विचार अर्ध सत्य ही रह गया है। क्योंकि जो बातें इन्होंने यहाँ पर कही है, मनुष्य का अस्तित्व, उसके कोश और हर कोश का अलग अलग फंक्शन, ये अमूर्त चीजें है जो दिखती नहीं। मानव जीवन में इसका सही अर्थ और महत्व स्पष्ट नहीं हो सकता। ऑकल्ट नॉलेज या गुप्त विद्या इस सत्य का दूसरा पक्ष प्रस्तुत करती है। जिस तरह से हमारी ये दृश्य सृष्टि को हम जानते हैं, पहचानते हैं, संकीर्ण करते हैं, उसी तरह एक अदृश्य सृष्टि भी इसके पैरेलल इस जगत में विद्यमान है, जिसके ऊपर थियोसॉफी हमेशा फोकस करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उनका अस्तित्व है। एक मनुष्य का केवल भौतिक शरीर हम देख सकते हैं, लेकिन इस भौतिक शरीर के अन्य कोश जो है वो हमारे साधारण दृष्टि से, चर्म चक्षु की दृष्टि से नहीं दिखते, लेकिन हमारे दिन डे टू डे लाइफ में उन सबका एक महत्वपूर्ण रोल है। और हमारा ये जो भौतिक शरीर है एक यंत्र मात्र है, जो उनके आदेशों से अन्य शरीरों के
डायरेक्शन से कार्य करता रहता है। और इसी चीज को तैमिनी द्वारा प्रस्तुत किया है, जो दिखता नहीं, दिखता है वो एक सत्य है, सत्य का दूसरा पक्ष यह है, वो यहाँ पर प्रस्तुत करते। इस विधि से मनुष्य जीवन तथा उसकी विभिन्न भावभंगिमा और अभिव्यक्ति को सही मायने में समझने के लिए इसी विचार को सचमुच शक्तिशाली तथा सहायक बना देती। किसी भी चीज के ऊपर अपन गौर करें तो केवल देखने से जैसी दिखती है, उसमें हमें पूरा ज्ञान उसके प्रति प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है, तो हम उसकी दूसरी साइड जो है उसके ऊपर भी विचार करें, अध्ययन करें, तो हमें वो चीज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पूर्ण रूपेण मानवीय विकास के लिए इन संपूर्ण प्राकृतिक नियम के उपयोग पर ही आत्म साधना का यह विज्ञान आधारित, इसलिए निश्चित तथा सुस्पष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए यह विज्ञान उतना ही स्पष्ट और विश्वसनीय है जितना कि आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक जगत के नियम। अधिकतर इस ऑकल्ट साइंस या रहस्य विद्या का भ्रांतिवश जादू या ज्योतिष, सम्मोहन और भविष्य दर्शन जैसी अपरा विद्या यानी वो विद्या जो हम दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे से सीख सकते हैं, ऐसी जो विद्याएं हैं उनको थियोसॉफी में अपरा विद्या कहा गया है। और थियोसॉफी का कहना है कि अप टू नॉलेज जो हम प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं, अप टू नॉलेज यू कैन एनवलप बट विजडम कैन नॉट। लेकिन उसके बाद की जो पराविद्या है, ये पराविद्या हमें स्वयं ही सीखना पड़ता है, ना ही हम वो किसी को सिखा सकते हैं ना किससे सीख सकते हैं। तो ये जो पूरी पुस्तक है ये पराविद्या के ऊपर में प्रकाश डालती है, जो खुद का खुद को ही समझना। और बाकी जो विद्याएं अभी मैंने कहा, जादू विद्या है, ज्योतिष विद्या है, सम्मोहन और भविष्य दर्शन जैसी जो विद्या है वो अपरा विद्या है, वो किसी से सीख भी सकते हैं और किसी को सिखा भी सकते हैं। लेकिन आत्मविद्या ये हमें स्वयं के ही प्रयास से स्वयं को ही जानना होता है। अधिकतर इन अपरा विद्या या कलाओं में स्वार्थ तथा कपट व्यवहार का समावेश हो जाता है, इसलिए ज्यादातर बुद्धिजीवी तथा सुविद्य समाज इन सभी बातों के प्रति गहरा विश्वास रखते हैं। यह सत्य है कि कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा ये ऑकल्ट साइंस या गुह्य विद्या के नाम से प्रसारित बहुत सा ज्ञान और अभ्यास भ्रामक तथा झूठा होता है, परंतु इस झूठी गुह्य विद्या के पीछे बहुत बड़ी वास्तविकता भी रहती है और सामान्य व्यक्ति को उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। जब तक मनुष्यों के स्वभाव में स्वार्थ, पूर्वाग्रह और अविवेकपूर्णता की अतिशयोक्ति का प्राबल्य प्राधान्य है, इन अति उच्च शक्तियों तथा गुह्य रहस्यमय विद्या से प्राप्त होने वाली अपार संभावना के बारे में वे अनजान बने रहते हैं, यह मानव जाति के हित नहीं है। गुरुदेव यहाँ पर बहुत जगह कहते हैं कि ये जो पराविद्या है वो विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति के पास में ही गई तो ठीक है, अगर वो स्वार्थपरत व्यक्ति व्यक्तियों के समूह के पास चली गई तो बहुत घातक हो सकती है। जब तक मनुष्य के स्वभाव में स्वार्थ, पूर्वाग्रह, अविवेक है, तब तक ये विद्या उन्हें प्राप्त नहीं होती।
उच्च शक्तियों तथा गुह्य रहस्यमय विद्या से प्राप्त होने वाली अपार संभावना के बारे में वे अनजान बने रहे, यह मानव जाति के हित में ही है। ये प्रचलित नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत थोड़े लोग जो साधक है या उच्च कोटि की साधना जो कहते हैं करते हैं उन्हीं को यह पता है, और ऐसा होना ये अखिल मानव जाति के हित में भी है। जगत पटल पर आज की वर्तमान स्थिति को हम दृष्टि में लाए पर हमें दिखता है कि संसार में क्या क्या हो रहा है। सर्वत्र युद्ध, संहार और अशांति दिख रही है। भौतिक जगत की शक्तियों के ज्ञान का, जैसे आण्विक शक्तियों का ज्ञान, मानवता विहीन और असंवेदनशील लोक तथा प्रगत राष्ट्र किस प्रकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तथा प्रकृति का बृहत मात्रा में विनाश कर रहे हैं। यह जानकर हम सरलता से समझ सकते हैं कि प्रकृति या निसर्ग की सूक्ष्म शक्तियों का गुह्य ज्ञान असंवेदनशील व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, बर्बर मानव समूह से छिपा कर रखने में ही बुद्धिमानी है। यह शक्तियां संसार को हानि पहुंचाने में कहीं अधिक शक्तिशाली और सक्षम साबित होगी, इसलिए महात्मा गणों द्वारा यह गुह्य ज्ञान केवल साधक तथा उच्च प्रति के शिष्यों के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। यही उनकी समस्त संसार तथा मानवता के प्रति उच्चतम करुणा है। आज हम यहाँ पर इसी गुह्य ज्ञान के, मनुष्य के अस्तित्व में अंतर्निहित अनेकों रहस्यों तथा आयामों से एक नियम, एक निम्न मनोमय कोश, जिसको हम लोअर माइंड कहते हैं, उसके हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य चलते हैं, उस पर आज हम विचार करेंगे। यह मूर्त विचारों का कोश, जो हमारा लोअर माइंड है, वो मूर्त विचारों का, जिसने आकार लिया है, ऐसे विचारों का कोश है। वासना शरीर की भांति इस विषय पर हम आत्म साधना के विशिष्ट दृष्टिकोण से ही विचार करेंगे। हमारा अध्ययन उन तथ्यों और साधनों तो के ही सीमित रहेगा जिनसे साधक को इस शरीर को समझने में सहायता मिले और अपने कार्य के लिए वह इतना इसका कुशलता से उपयोग कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य को अपनी अपार संभावनाएं, अंतर्निहित शक्तियों, इसके बारे में जानकारी नहीं होती और इतरत्र वो जानकारी इजीली अवेलेबल भी नहीं। अगर हम ये जान जाए तो जो साधना मार्ग में है, जो प्रगति करना चाहते हैं, उनको बड़ी सहायता होती है। मानव मन सृष्टि की सबसे विलक्षण रचना है। पूर्णत्व और आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या भी मन ही है, क्योंकि ऐसा गीता में भी कहा गया है कि हमारे मुक्ति और बंधन का साधन हमारा मन, केवल मन। मन की स्थिति अगर बदल जाए, सुख और दुख ये मन की ही तरंगे हैं, बशर्ते अपना दृष्टिकोण बदल जाए, आयामगत अगर हम अपने में चेंज कर ले, तो हम जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पर आनंदित हो सकते। मन ही भेदभाव उत्पन्न करने वाला तत्व है और उसी के कारण मनुष्य उस एक परम तत्व में अनेक देखता है, जैसी जाति भाव। मन ही अहम का केंद्र है और वही हमें यह अनुभव कराता है कि हम एक व्यक्ति है और हमारे तथा अन्य व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध है। मन ही उन भ्रांतियों का जनक है
जो हमारी चेतना में परमात्मा का एक विकृत स्वरूप प्रस्तुत करती, जो इस दृश्य जगत में अंतर्हित परमात्मा को जानना चाहता है, उसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना होगा और फिर मन के परे भी जाना होगा। ये मन इतना हमें आंदोलित करता है, इतना हमें कंट्रोल करता है कि मेरा मन यानी मैं ही बहुत सारे मानव समूह में, बहुत सारे लोग उनका मन यानी वो ऐसा ही समझते हैं। जब तक वो आत्मविद्या की अभ्यास के लिए प्रस्तुत नहीं होता, मेरा मन यानी मैं, बस ऐसी सीधी धारणा से लोग पूरा जीवन गुजार देते। निम्न मनोमय कोष के कार्यों का विचार करते समय हमें यह समझ लेना चाहिए कि मन की सही संरचना स्वरूप और कार्य के विषय में अपने अज्ञान के कारण आधुनिक मनोविज्ञान में मन शब्द का प्रयोग अत्यंत ही सामान्य रूप से किया गया है। जिन क्रियाओं का प्रारंभ हमारे अंतर के स्पष्टता विभिन्न भागों में होता है, उन्हें यह इकट्ठा कर उन सब के लिए एक साधारण और अस्पष्ट मन का प्रयोग करता है, माइंड, इंग्लिश में उसको माइंड, माइंड यानी हमारा मन। लेकिन ये मन को जो आंदोलित करते हैं, ऐसे अन्य कोष भी हमारे अंदर विद्यमान है। हमारी भावनाएं मूर्त विचार, अमूर्त विचार और अंत प्रज्ञा में भेद किए बिना ही इन सबको मिला दिया गया है, माइंड शब्द दे दिया और बाकी जो उसके आयाम है उसके ऊपर चुप्पी साधी गई। इस विषय का विशेष अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी इन सबके बीच के संबंध को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था प्रमुखता इसीलिए है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग के भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण मन की क्रियाओं का अनुसंधान गलत तरीकों से किया गया। मन अपने भौतिक यंत्र मस्तिष्क से किस प्रकार कार्य करता है, यही मनोविज्ञान में मन का अध्ययन है। उसके पास साधन ही नहीं है कि वो मस्तिष्क के आगे भी जा सके तथा मस्तिष्क के तथा उसके माध्यम से चेतना में प्रकट होने वाली निमित्त अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करने वाली शक्तियों और कारणों को देख सके, उसका परीक्षण कर सके। अभी कुछ समय पहले तक मस्तिष्क को सभी मानसिक क्रियाओं का जन्मदाता समझा जाता था। यह मत प्रचलित था, मस्तिष्क विचार इसी प्रकार उत्पन्न करता है जैसे हमारे यकृत से पित्त निकलता है। जिस तरह ऑटोमेटिकली हमारा जो यकृत होता है, जिगर होता है, उसमें से पित्त बनता है, वो रासायनिक प्रक्रिया है, उसी तरह ये समझा जाता है मस्तिष्क उसी प्रकार उत्पन्न करता है जैसे यकृत से पित्त निकलता है। परंतु मानसिक क्रियाओं के और अध्ययन से स्पष्ट हो गया कि इस मत को स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अनिच्छा से यह मत स्वीकार करना पड़ा कि मन स्थूल मस्तिष्क के बिल्कुल ही भिन्न है। यद्यपि स्थूल जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए वह मस्तिष्क पर निर्भर रहता, अंतःकरण में हमारे भाव दशा में जो भी आंदोलन उत्पन्न हुए हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें ब्रेन का ही उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन इस ब्रेन को आंदोलित करने वाले और कोश और तत्व जो हमारे अंदर मौजूद है, उसका अभ्यास, मन के अभ्यास में ये मनोवैज्ञानिक लोगों ने नहीं किया। समस्त मानसिक क्रियाओं को सुस्पष्ट करना, उनके संबंधी स्तोत्रों का पता लगाना
उनके स्वरूप और विभिन्न सूत्रों के अनुसार वर्गीकरण करना और मानव मन को इस प्रकार समझने में सहायता करना जैसा कि पहले कभी नहीं समझा गया। मनोविज्ञान के क्षेत्र में गुह्य विद्या का सबसे बड़ा योगदान प्रकृति के अति भौतिक क्षेत्रों में गुह्यविदों ऑकल्टिस्ट द्वारा किए गए अनुसंधानों के कारण मन के क्षेत्र में यह व्यवस्था और स्पष्टता लाना अब संभव हो गया। अपनी अति भौतिक इंद्रियों को विकसित करके अनुसंधानकर्ता मनुष्य की अति भौतिक संरचना का अध्ययन कर सके, इस संरचना के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से अलग कर सके और स्थूल मस्तिष्क में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का आदि कारण संबंधित अति भौतिक लोकों में खोज सके। इस तरह का संशोधन थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ है। यहाँ पर क्लियर वायंसी दिव्य दृष्टि जिन्होंने अपनी साधना से प्राप्त करी थी, उन्होंने इस पर बहुत अभ्यास, विचार और प्रकाश डाला हुआ है कि हमारे जो स्थूल ब्रेन है, उस ब्रेन से जो हम अभिव्यक्त करते हैं वो कहीं और से आंदोलित होती है, और उसके खंड खंड में बहुत विस्तृत अभ्यास इस पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ। इस प्रकार पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह ज्ञात हुई कि हमारी भावनाएं, मूर्त विचार और अमूर्त विचार तीन विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। ये तो वास्तव में तीन विभिन्न सूक्ष्म शरीरों में चेतना के कार्य करने के परिणाम। मस्तिष्क और स्नायुमंडल तो उच्च लोकों में इन सूक्ष्म शरीरों की क्रियाओं को भौतिक चेतना में लाने का केवल माध्यम। ये बात थियोसॉफी ने खोज निकाली, जिसको संशोधन हम कहते हैं, किया है। हम पहले ही इन क्रियाओं का एक समूह का अध्ययन कर चुके जो वासना शरीर से उत्पन्न होती है और जो हमारे संवेदनों, वासनाओं और भावनाओं को जन्म देती है। अब हम विचारों के अवयव का अध्ययन करेंगे। यह वह यंत्र है जिसमें जीवात्मा मनोलोक पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। यह लोक हमारे सौर मंडल का तीसरा लोक, जैसे कहा गया है कि फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लोअर मेंटल बॉडी, हायर मेंटल बॉडी, इस तरह के मनुष्य के कोष। और अक्सर देखा जाता है कि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी, वो एस्ट्रल बॉडी में जो भावना, वासना, इच्छा, आकांक्षा निर्माण होती है, तो उसके अनुरूप लोअर माइंड जो है वो जल्दी प्रभावित हो जाता है, और जल प्रभावित होने के बाद वो शरीर को आदेश देता है और उसके अनुरूप वो कार्य करके चले जाता है। एस्ट्रल सबसे पहले हमें आंदोलित करता है और लोअर मेंटल से साठगांठ कर लेता है, और लोअर मेंटल उसके साथ हो लेता है और शरीर को ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप ऐसा करो, और उस दिशा से हम कार्य करते हैं। लेकर अगर हम हायर माइंड का भी अगर विचार विमर्श करें, हायर माइंड माइंड से भी विमर्श करें, एस्ट्रल बॉडी ने जो आंदोलित किया है उसके बारे में, अच्छा बुरा जिसको हम विवेक कहते हैं, तो शायद हम वो कृत्य नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा हम लोअर माइंड के ही वशीभूत होने के कारण बहुत से कृत्य हमारे हाथ से ऐसे हो जाते हैं जो हमारे विकास में बाधा। हाँ, प्रलोभन है, ग्रीड है, इच्छाएं हैं, वासना है, बहुत सारी चीजें जो लोअर अपने एस्ट्रल बॉडी में निर्माण होती है, और लोअर माइंड तक ही वो उसके ऊपर विचार विमर्श करके हम वो कृत्य कर लेते हैं। हायर मेंटल बॉडी तक हम पहुंचना ही नहीं चाहते या पहुंचने नहीं देते। इस संबंध में पहली बात तो याद रखनी है कि मनोमय कोश वासना शरीर की भांति
जो भूअर लोक के 7 उपखंडों के पदार्थों से निर्मित होता है, एक अविभाज्य इकाई नहीं, ये अलग अलग है। मनोलोक के कार्य करने वाला विचार यंत्र अथवा अर्थात मनोमय कोश तो चेतना के दो भिन्न कोशों से मिलकर बना है, निम्न मनोमय कोश लोअर मेंटल बॉडी। निम्न मनोमय कोश मनोलोक के 4 निचले उपखंडों के पदार्थों से बना है और यह मूर्त विचारों का अवयव है। उच्च मनोमय कोश जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, शेष 3 उच्च उपखंडों के पदार्थों से बना है और यह अमूर्त विचारों का अवयव है। ये दोनों कोश एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, इनके कार्य भिन्न है और हमारी संपूर्ण संरचना के दो भिन्न भागों के अंग है। निम्न मनोमय कोश परिवर्तनशील देहात्मा का अंग है और प्रत्येक जन्म में नया बनता है। कारण शरीर जीवात्मा का निम्नतम कोश है और जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। हमारा कारण शरीर कभी नष्ट नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। लेकिन लोअर मेंटल तक, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, थ्री डबल और लोअर मेंटल बॉडी, ये नश्वर है, हर जन्म में ये नहीं होती और नष्ट होती। लेकिन जो हमारा कारण शरीर है वो परमानेंट, वो बदलता नहीं, जन्म दूसरे जन्म में भी कारण शरीर वही होता है और जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। इस एक के बाद एक देहात्माओं में जीवात्मा अंशतः ही व्यक्त हो पाता है। अतः यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा मन हमारे निम्न और उच्च स्व का समस्त सीमाओं भ्रांतियों वाले अस्थाई देवात्मा तथा आत्मा बुद्धि मनस के माध्यम से व्यक्त होने वाली स्थाई जीवात्मा का मिलन स्थल है। मनोलोक में क्रियाशील इन दोनों कोशों के कार्य क्योंकि भिन्न है, हम इस अध्याय में मूर्त विचारों के अवयव निम्न मनोमय कोश के कार्यों का ही विचार करेंगे, उच्च मनोमय कोश के कार्यों का विवेचन बाद के अध्याय में किया जाएगा। तो आज हम लोअर मेंटल बॉडी, जो निम्न मनोमय कोश है, उसके ही कार्य का विचार करेंगे। निम्न मनोमय कोश के कार्यों का अध्ययन करने से पूर्व संभवतः यह उपयुक्त होगा कि इस कोश तथा वासना कोश के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए। यद्यपि चेतना की ये दो कोश बिल्कुल अलग अलग है और दो विभिन्न लोगों से संबंधित है, फिर भी इन दोनों कोशों का पारस्परिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ है और वास्तविक जीवन में ये दोनों बहुत कुछ मिलकर ही कार्य करते हैं। वस्तुतः यह संबंध इतना घनिष्ठ है और इनकी कार्य पद्धति इतनी मिलती जुलती है कि व्यावहारिक तौर पर प्रायः इन्हें एक ही कोश समझा जाता है। इसलिए प्रारंभिक थियोसॉफिकल साहित्य में काम मनस को एक ही माना जाता था। वेदांत में भी मनोमय कोश इन दोनों कोशों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन जो लोअर मेंटल बॉडी रहती है वो हमेशा एस्ट्रल बॉडी से आंदोलित होती है। जो छोटी छोटी इच्छाएं वासनाएं अमूर्त तमूर्त जो मन को भाती है, यानी अहंकार को जो चुपड़ाती है, सहलाती है, ऐसी चीजें हमारे एस्ट्रल बॉडी में तैयार होती है और लोअर मेंटल उसके साथ हो जाता है। और यहाँ तक कि वेदांत में भी मनोमय कोश जो दो है, दो के अलग अलग फंक्शन है, दो का अलग अलग अस्तित्व है, इसके बावजूद भी वेदांत में भी मनोमय कोश इन दोनों कोशों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है। इन दोनों कोशों के एक साथ विकसित होने के कारण काम और मनस के बीच ये घनिष्ठ संबंध प्रारब्ध हुआ। यदि इस पर विचार किया जाए कि विकास के प्रारंभ से ही कामना और विचार
किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते रहे तो इनके घनिष्ठ संबंधों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। कामना या वासना की उत्पत्ति का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि बाह्य विषय वस्तु से प्राप्त सुख दुख की स्मृति या प्रत्याशा से उनके प्रति आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होता है। बुद्ध साहित्य में इसके ऊपर बड़ा जो संवेदना, सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, फिर उसकी स्मृति, तो ये सारी चीजें यहाँ पर काम करती। कामना या वासना की उत्पत्ति का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि बाह्य विषय वस्तु से प्राप्त सुख दुख की स्मृति या प्रत्याशा के प्रति आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होता है, तथा फिर अनेक प्रकार की कामनाओं का जन्म होता है। वासना शरीर में उत्पन्न सुख दुख के संवेदनों और निम्न मनोमय कोष की स्मृति एवं प्रत्याशा के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही वासना और विचार के बीच उस ऐक्य और घनिष्ठ संबंध का प्रारंभ होता है, और वही विकास की वर्तमान अवस्था तक भी चला आ रहा है। तीव्र होने पर कामना या वासना पूर्ति के लिए फिर सदैव निम्न मन का उपयोग करती है और अपनी संतुष्टि के साधन खोज ली। जैसे किसी चीज को पाना है तो ये लोअर मेंटल एक षड्यंत्र रचता है कैसे पाना है, क्योंकि वहां उसकी बुद्धि यानी जो उसका विचार है वो मार्ग बनाता है, और उस मार्ग के द्वारा अपनी वासना कोश में जो उत्पन्न हुई इच्छाओं की पूर्ति करते। काफी समय तक निम्न मन वासना का एक सेवक ही नहीं दास बना रहता है, और उसकी मांगों की पूर्ति करते करके ही धीरे धीरे विकसित होता है। परंतु जो जो मन विकसित और शक्तिशाली होता है यह वासना पर अधिकाधिक नियंत्रण करने लगता है और अंततः उसका स्वामी बन जाता है। वासना या कामना को वश में करने के इस कार्य में मन को अंतरिक लोकों से अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि विकास की अंतिम अवस्थाओं में इन स्रोतों तक उसकी पहुंच बढ़ जाती है। इसका एक अनुभव हम कहाँ ले सकते, जैसे विपश्यना ध्यान एक प्रकार है, और वो उपासना ध्यान को जब हम पहली बार बैठते हैं तो वो जो मार्गदर्शक रहते हैं वो पहली अनाउंस करते हैं कि देखो आपकी जो उम्र है 50 60 जो भी है, आज तक आपने आपके जो इच्छा हुई वो पूरी, वासना कोष ने जो जो मांगा और वो मनोमय कोष ने वो आपको लोअर मेंटल माइंड ने आपको प्रस्तुत किया। अब हम विपश्यना ध्यान को अगर बैठते हैं तो आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि देखिए मुझे 1 घंटे के लिए किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना करें, मैं किसी ध्यान में जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो 2 मिनट 5 मिनट के बाद ही आपका बॉडी जिसके लिए आपने उम्र के 50 साल उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं के लिए बिताए हैं, गुजारे हैं, प्रयास किए हैं, वो तुरंत उसको आपको डिस्टर्ब करना चालू कर देंगे। खुजली होना शुरू हो जाएगी, पैर में दर्द होना चालू हो जाएगा जब पद्मासन में आप बैठ, उसका डिस्टर्ब क्यों। जो वासना शरीर है ये नाना तरह की इच्छाएं वासनाएं आपके अंदर आएगी, और उस अनुरूप जो हमारा लोअर मेंटल है वो हमको वो करने के लिए ध्यान करने के लिए विरोध करेगा या असहज रहेगा। तो वो मार्गदर्शक कहते हैं कि देखो जिस शरीर के लिए आपने इतनी उम्र बिताया है, जिस मन के लिए लोअर माइंड के लिए या वासनाओं के लिए अपना पूरा लाइफ लगा दिया है, वो आपको केवल 1 घंटा आपको फ्री नहीं करना चाहते, तब ये समझ लीजिए आप कि ये सारी चीजें और आप अलग हो।
इसका अनुभव आप लीजिए, कि ये तीनों आपको किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको इस कार्य में आगे बढ़ने से प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो वो एक क्षण है तब हम पहली बार समझते हैं कि जिनको मैं, मेरा शरीर को ही मैं, मेरे वासनाओं को मैं समझता था, मेरे लोअर माइंड को ही मन समझता था, ये मेरे नहीं है, मैं अलग हूँ और ये अलग है, ये अनुभूति उस ध्यान पद्धति में आने होती है। वासना और निम्न मनोमय कोषों का इस प्रकार संयुक्त रूप से कार्य करना हमें अपने भावनात्मक जीवन में दिखाई भी देता है। यह तो बताया ही जा चुका है कि वासना और विचार की क्रिया प्रतिक्रिया से भावनाओं का जन्म होता है। देखो, वासना और विचार की क्रिया प्रतिक्रिया से ही भावनाओं का जन्म होता है। इसने मेरा अपमान किया था, इसने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया था, वगैरह वगैरह, जो एस्ट्रल बॉडी और लोअर मेंटल के जो प्रतिक्रिया होती है, उसी के वजह से हमारी जो भावना है वो निर्माण होती है। इसलिए किसी भावना का अनुभव होने पर हम दोनों शरीरों में एक साथ हमारे दोनों शरीरों में एक साथ कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। साधारण व्यक्ति के जीवन में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका समझ लेने पर हमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों शरीर कितना मिलजुल कर कार्य कर। इस प्राथमिक विवेचन के पश्चात अब हम निम्न मनोमय कोष के कार्यों का विचार करें। वासना शरीर के कार्यों का विचार करते समय हमने देखा कि उसका पहला कार्य भौतिक इंद्रियों से प्राप्त कंपनों या संबंधों की स्पंदनों के संवेदनों में परिवर्तित करना, स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों से टकराने वाले कंपन स्नायु या नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क के संबंधित भाग में पहुंचते, वहां से वे वासना शरीर में प्रतिबिंबित होते और वासना शरीर में स्थित केंद्रों द्वारा वे संवेदनों में परिवर्तित होते हैं। प्रतिबिंबन की यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हो जाती, एक और प्रतिबिंबन से वे निम्न मन तक पहुंचते हैं और वहां ये प्रत्यक्ष ज्ञान में बदल जाते। जैसे कैमरे के लेंस में से आने वाली प्रकाश की किरणें पारदर्शक प्लेट पर आसपास के दृश्य का चित्र अंकित कर देती है, उसी प्रकार इंद्रियों के मार्ग से आने वाले ये विभिन्न कंपन मन के पर्दे पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बना देते हैं। ये प्रतिबिंब चिदाकाश में बनते हैं, अंदर का जो स्पेस है, चित्त का जो आकाश है, उसको चिदाकाश कहा गया है। यह शब्द चित्त से बना है और चित्त का अर्थ है नम्न मन का प्रतिबिंब उत्पन्न करने वाला पक्ष। पांच इंद्रियों से प्राप्त कंपनों द्वारा उत्पन्न इन प्रभावों के लिए बिंब या प्रतिबिंब शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा विचित्र लग सकता है, परंतु मनोविज्ञान में अब इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग मान्य। अतः किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न स्वरों से मन में उत्पन्न प्रभाव को हम श्रवण प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु के स्वरूप से उत्पन्न प्रभाव को हम दृश्य प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्न मनोमय कोष का पहला कार्य भावनात्मक संवेगों के रंग, रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श के मानसिक प्रतिबिंबों में परिवर्तित करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त इस मानसिक प्रतिबिंबों को मिलाकर एक सम्मिश्र बिंब बनाता है। इसका अर्थ एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए मेरे सामने कोई ऑरेंज संतरा है, आंखों के द्वारा उत्पन्न प्रभाव से मुझे संतरे के आकार और रंग का ज्ञान, नाक के माध्यम से मुझे उसकी गंध का आभास होगा,
और उस फल को, संतरे को हाथ में लेने पर मुझे ज्ञात होगा कि छूने में यह कैसा लगता है। फिर जीवा के द्वारा मुझे उसके स्वाद का पता चलेगा। अब संतरे के विषय में पूरा ज्ञान इन सब तथ्यों को मिलाकर ही होगा। निम्न मनोमय कोश का कार्य इन चारों तत्वों से मिलाकर एक ऐसा मानसिक बिंब बनाता है जो उस वस्तु का एक पूर्ण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मन इन पांचों तत्वों को मिलाकर एक पूर्ण चित्र तो प्रस्तुत करता ही है। वह अपने स्मृति भंडार से उन तत्वों की भी पूर्ति करता है जो उस समय उपलब्ध ना। दूर से एक संतरे को देखने पर हमारे मन तक एक केवल एक दृश्य प्रतिबिंब ही पहुंचता है। हमें उसके आकार और रंग का पता चलता है, परंतु हम अपने मन में उस संतरे के दृश्य प्रतिबिंब से बहुत अधिक देख लेते और वह इंद्रियों की आंशिक रिपोर्ट पर आधारित नहीं होता। वास्तव में होता यह है कि पहले अनेक अवसरों पर हमने संतरे संतरे को देख परख कर हमने मन के बहुत प्रकार के संस्कार या प्रभाव एकत्रित करके अपने स्मृति भंडार में रख लिया। अप्राप्त तत्वों की पूर्ति वह अपने इस भंडार से ही कर देता है। इस प्रकार हमें उस संतरे के बारे में अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो अन्यथा हमें मिल ही नहीं पाता। यही मन संग्रह और अप्राप्त तत्वों की आपूर्ति का कार्य न करता और हम मन की आंखों से भी बस उतना ही देख पाते जो इंद्रिया हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो हमें यह बाह्य जगत अत्यंत ही अपूर्ण और नीरस प्रतीत। तो ये क्या कार्य क्या करता है कि भाई हमारी स्मृति में जो मेमोरीज है, ये चीज देखने के बाद इसका स्वाद ऐसा अमुख है, तो इसको स्टोर करके रखता है और यही मेमोरीज आगे हमें बहुत सारी जीवन की बातों में, संबंधों में वगैरह, पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, वो पूर्वाग्रह का केंद्र हमारा निम्न मनोमय कोश बन जाता है और फिर असहज हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी को सत्य रूप में देखना चाहे, कल एक व्यक्ति को कई साल पूर्व हमारा उसका कुछ झगड़ा हो गया था, उसने हमें अपमानित किया था, उस वक्त का वो गलत आदमी था, ये हमारे मन में अंकित है, हमारे स्मृति में है, लेकिन वो 10 साल 12 साल के बाद मिलता है तो भी हम उस व्यक्ति को ऐसे नहीं मिलते, फ्रेश नहीं मिलते। उस वक्त हमारे मन में वो पूर्वाग्रह की यह व्यक्ति ठीक नहीं ये आता है और हमारा सारा जो मानवीय व्यवहार है करप्ट हो। तो ये कार्य भी हमारा निम्नमय मनोमय कोश करता है। ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से निर्मित प्रतिबिंबों के सम्मिश्रण के कार्य से संबंधित एक विपरीत, बिल्कुल विपरीत कार्य भी है। वह कार्य यह है कि जो मानसिक आवेग कई कर्मेंद्रिय द्वारा व्यक्त हो सके, उसके तत्व को अलग अलग करना, अपने सामान्य जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए जो भी विभिन्न क्रियाएं हमारे द्वारा होती है, उसका समन्वय निम्न मनोमय कोश भी करता है। यदि जैसे हम अपने स्थूल शरीर को चोट पहुंचाने के लिए किसी वस्तु को अपनी ओर आते देखते, तो तुरंत और स्वतः ही हमारे पैर, हाथ और समस्त मांसपेशियां ऐसी स्थिति में आ जाती है जो उस चोट के से बचने के लिए सर्वोत्तम। ये सारी जटिल और कुशल क्रियाएं निम्न मनोमय कोश द्वारा किए गए समन्वय और नियंत्रण के कारण ही संभव हो पाती है और यह सब प्रायः इतनी तेजी से हो जाता है कि हमें
पता नहीं चलता। तो ये सारी चीजें जो है इन निम्न मनोमय कोष अपना बचाव करता है वगैरह वगैरह। व्यक्ति के जीवन अनुभवों की वृद्धि होने पर उसके स्मृति भंडार में विषय वस्तुओं के प्रतिबिंब भी बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे मन इन प्रतिबिंबों का विभिन्न प्रकार से उपयोग करने लगता है। वह इन्हें बार बार सुव्यवस्थित क्रम से रखता है, उसका वर्गीकरण करता है और उसकी तुलना करता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक करके हमारी तर्क, निर्णय आदि से संबंधित मानसिक शक्तियां जो है वो विकसित होती रहती है और हम धीरे धीरे विचार करना सीखते। यह अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है कि विचार करना मन में उपस्थित प्रतिबिंबों के बीच संबंध स्थापित करना मात्र। हम किसी चीज के प्रति विचार कर रहे हैं तो पूर्व में उसके बारे में जो हमें ज्ञान या जो हमारी स्मृति में आया है उसकी उसकी तरह से हम पूर्वाग्रह से आंदोलित होके विचार करते। अतः हमारे विचार की गुणवत्ता बहुत कुछ इन प्रतिबिंबों के स्वरूप और उनकी संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी विषय से संबंधित प्रतिबिंब मन में स्पष्ट और सही है तो उस विषय पर यह उस मन की अपेक्षा कहीं अच्छी तरह से विचार कर पाने की स्थिति में है जिसमें ये प्रतिबिंब बड़े ही अधूरे से हो। प्रायः ऐसा लगता है कि विचार इन प्रतिबिंबों के बिना ही हो सकता है, परंतु गहराई से देखने पर पता चलेगा कि ऐसी अवस्थाओं में हम प्रतिबिंबों के स्थान पर उनके प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। हमारी विचार प्रक्रिया के आधार को वास्तव में ये प्रतिबिंब ही है जो निरीक्षण करके, पढ़कर अथवा अन्य विधियों से निर्मित हुए। यद्यपि ये प्रतिबिंब आवश्यक है, परंतु अच्छे चिंतन के लिए मन में बहुत से सुस्पष्ट प्रतिबिंबों का होना मात्र पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कलाकार की आवश्यकता है जो समस्त प्रतिबिंबों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि सुंदर विचार उत्पन्न। यदि आप बहुमूल्य रत्नों से भरा डब्बा किसी एक साधारण व्यक्ति को दे दे तो वह उनका कुछ भी उपयोग नहीं कर सके, परंतु यदि उसी बॉक्स को आप एक अच्छे जौहरी को दे दे तो वह उनसे अत्यंत सुंदर और विभिन्न डिजाइन वाले रत्नाभूषण बना देगा। इसी प्रकार पढ़कर या निरीक्षण करके अपना ज्ञान मात्र बढ़ा लेना और इस प्रकार अपने मानसिक प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ा लेना पर्याप्त नहीं है। हमें गहराई से और निरंतर तब तक चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि एकत्रित सामग्री से हम सुंदर या जीवनोपयोगी विचार उत्पन्न करना ना सीख ले। निम्न मन के कार्यों का अध्ययन करते समय कम से कम एक संक्षिप्त सा संकेत उस भ्रम की ओर कर देना आवश्यक है जो किसी चीज को उसमें अपरिवर्तित माध्यम से जानने में निहित। जब तक हम निम्न मन के क्षेत्र में हमारे प्रतिबिंब नाम और रूप तक सीमित होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि उस स्थिति में हम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं सकते। प्रतिबिंब एक सापेक्षिक चीज है, उससे हम उस वस्तु का संपूर्ण चित्रण नहीं वरना केवल एक आंशिक भाग ही देख पाते। यद्यपि हम उस वस्तु के संपर्क में आने पर अपने मन में यह कल्पना कर लेते हैं कि हम उस वस्तु के सही सही स्वरूप को जान गए। एक साधारण सी वस्तु के इंद्रियानुभव को ही ले लो, विभिन्न और दूरियों से उसे देखने पर हजारों विभिन्न स्वरूप दृष्टिगोचर होंगे। इनमें से कोई भी वस्तु का संपूर्ण या सही रूप प्रस्तुत नहीं करता। यदि ज्ञान इंद्रिय परक नहीं है तो किसी वस्तु का विषय वस्तु का सही ज्ञान प्राप्त करने में
कठिनाइयां और भी अधिक हो जाती है। अतः हम सचेत रहे और मन की क्रियाओं पर आधारित अपने दृष्टिकोण और विचारों को हम जीवन की वास्तविकताएं न मान बैठे, क्योंकि वे यदि विकृत नहीं तो केवल आंशिक निरूपण ही है। इससे स्पष्ट हो जाता कि मन के माध्यम से वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप समझने जानने का प्रयास व्यर्थ। मन के परे जाने पर तथा सत्य के प्रकाश में उसे देखने पर ही हम उन्हें यथार्थ में जान सकते हैं। यह ठीक इसी प्रकार जैसे स्पेक्ट्रम के रंगीन प्रकाश में रहने वाला जीव तब तक जान ही नहीं सकता कि श्वेत प्रकाश कैसा होता है जब तक कि वो प्रिज्म के परे न जाए, प्रिज्म के परे न जाए और उस प्रकाश को देखे जो उस रंगावली को उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया, प्रिज्म जो होता है उसके ऊपर जो एक लाइट गिरती है, उसके लाइट के बाहर जो एक रंगों की दुनिया होती है रंग बिरंगी, उसी में हम जीते। अगर हम श्वेत प्रकाश जो उसको प्रिज्म से आ रहा है, जब तक हम प्रिज्म के परे नहीं जाते उस प्रकाश को हम देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। निम्न मन के कार्यों का ध्यान करते समय साधक का ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। एक तो यह कि जिन विषय वस्तु को हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों से देखते हैं उसका केवल इंद्रिय जन्य प्रतिबिंब ही हमारे मन में होता है, उस विषय वस्तु का सही प्रतिबिंब नहीं होता। जिन सामान्य बाह्य विषय वस्तु को हम देखते हैं वे केवल स्पंदित परमाणु और अणु के संग्रहण मात्र है। उसमें रूप आकार रंग आदि हम देखते हैं वे केवल हमारे मन में होते हैं, उन वस्तुओं में नहीं। हमारे मन में जो मानसिक प्रतिबिंब बनता है उसको उत्पन्न करने में यह विषय वस्तु तो एक अज्ञात उपकरण मात्र होता है। इस प्रकार हम वस्तुतः अपने मन में निर्मित मानसिक प्रतिबिंबों को दुनिया में मानसिक प्रतिबिंबों की दुनिया में ही रहते हैं और उसी दुनिया को हम बाहर निरूपित करती है। जिस प्रक्रिया द्वारा यह निरूपण होता है उसे विक्षेप कहते हैं। अपने मानसिक जगत को ही बाहर निरूपित करने की प्रक्रिया से दो बातें हमें स्पष्ट ही हो जानी चाहिए। प्रथम, जिस दुनिया में हम जीते हैं वो वास्तव में हमारे अंतर में हमारे मन में। द्वितीय, हम वास्तविक में अत्यधिक भ्रांतियों के बीच रहते हैं और इसका हमें ज्ञान तक नहीं है। मनुष्य मात्र की प्रगति में सबसे बड़ी अगर कोई अड़चन है, कोई रोड़ा है, तो मैं ज्ञानी हूं इसका भ्रम। बहुत कुछ मुझे आता है, बहुत कुछ मुझे मालूम है, इसीलिए हम उसी हमारे भ्रमों में पूरा जीवन जीते हैं और जो सही ज्ञान है उससे वंचित हो जाते हैं। निम्न मनोमय कोश के कार्यों के संबंध में हमें अंतिम बात यह समझनी है कि मनोमय कोश और मूर्त मन दो भिन्न चीजें। मनोमय कोश सूक्ष्म पदार्थों से निर्मित एक कोश, वो प्रकृति का एक मनोभाव रहित यंत्र मात्र। मन या निम्न मनस निम्न लोकों की सीमाओं में कार्यरत चेतना का एक स्वरूप। यह चेतना ही अपनी अभिव्यक्ति के लिए निम्न मनोमय कोश का उपयोग करती है। वह सजीव है, चेतना के गुणों से युक्त है और पुरुष में अवस्थित। मनोमय कोश को मन समझ लेने की यह प्रवृत्ति सामान्यतः देखी जाती है। इन दोनों में अंतर न समझ पाने के कारण ही कुछ साधकों के मन में अति भौतिक लोकों की क्रियाओं के संबंध में कभी कभी भ्रम बना रहे। मुझे जो मालूम हुआ, मैंने जो जाना, वही सत्य है, ये आग्रह ये इससे होता है। लेकिन यहाँ पर एमिनी जी डायरेक्शन दे रहे हैं कि इससे पहले प्रिज्म के जैसे बाद जाके उस लोक को, उस प्रकाश को हम देखे जिसका केवल रंग ब्राइट है और प्रिज्म के इधर जो रंगी बिरंगी दुनिया में हम रहते हैं, तो वो भ्रम में ही हम अपना जीवन गुजारते हैं। यह
मनोमय कोश का, निम्न मनोमय कोश का कार्य जो था, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया किताब से, और आपने इतना देर मुझे शांति से सुना, इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और आज के इस विषय को, इस पार्ट को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We open the forum for any comments or additions. I see Professor Shinde ji here. So, if you'd like to say something. यस सर, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार लोखंडे साहेब, नमस्कार। एक तासभर तुम्ही छान पैकी सांगितलं, व्हेरी नाइस व्हेरी नाइस। विमल जी व्हाट कैन आई से, सिंपल। Sir, I ask you a simple हाँ, यू question. I आस्क mean, सर्टेन क्वेश्चन दैट सो दैट वी कैन डिस्कस इन दैट मैनर। so like as I see it, in a normal life, we don't differentiate between all these lower mental. I mean, unless we analyze it, we are not Yes. normal. For example, if I'm seeing a scenery, am I seeing it from my lower mental? I'm not analyzing it at that point. At that point, I'm only enjoying it. But as I understand it, the reason why theosophical leaders give us these information is only for us to be able to control these things, but not for us to sort of, further go into it in such a detail thinking that I'm now thinking from my lower mind. I'm now thinking. That's not the purpose of it. The purpose of it is to sort of learn to control all these aspects of us. Like supposing I have a desire for something, I'm attracted to a certain type of food. Like I'm diabetic and I like sweets. Now I know it is something, some kind of an urge which is coming from my astral body. So when I understand that there is such things, my elementals in my astral body are seeking that desire, I learn that okay, this is as much a part of my body as anything else. It's not who I am. So I learn to control that aspect. So that's how I look at this whole aspect of the lower mental also, that it's very hard to differentiate between on a daily basis the lower mental and higher mental when we are actually living. Yes, Vimal ji, are very correct, and it is therefore HPB said it is the slayer of the real. When we are unable to control, it becomes the slayer of the real. But only it is the self-knowledge that liberates, is it not? So for the self-knowledge, we must know who we are. We are Satyam Shivam Sundaram. We are that spirit. We are that monad. But we have physical body to act, astral bodies to feel, mental body to think and analyze. Whereas higher mental body is used to know, to understand, and to get enlightened. And buddhic body is to love. All is converted into a love, motiveless love. And this atmic body provides the power of will. And this monad, what we say, is the just observer. When we understand this detail, man and his bodies, that helps us not to control the mind, but to give the direction to the mind. When it is a slayer of the real, we must transcend that mind towards the higher mind. So it is nice to think in this way. When we chant a mantra, even the Om mantra is very different. We can chant it in Vaikari, Madhyama, Pashyanti, Paravani. And when we chant these different swaras, we are touching these bodies. No doubt, we are vibrating. Our body is the vibrational frequencies is adjusting. And therefore, beyond this,
four types of swaras. There is Vaikari, Madhyama, Paschanti, Paravani. There is that light which guides, and that light is witnessing. It is a Sakshi Bhava again. So what Lokhandeya, Ashok Lokhandeya said, if we use this astral body properly, this can be taking you to the beyond that, because it is this Bhavana Sharira which takes you to that Bhavana which we call the Prema, and with that Prema we attain to that thing. So it is a direction to the mind, and for that purpose knowledge is necessary. Without self-knowledge we cannot control. So what to be controlled and what to be directed need to be understood, and this lower mind we thought today is mainly concerned with the thinking, and our thinking is affecting, because thoughts become our word, and word become our action, action become our habit, habit become our character, and character takes to the destiny. That is what theosophy teaches very typically. So in that sense, Vimalji, I think we must think of this mind not to control, but always mind needs some action. In the sense, mind needs some work. So give that mind this particular work to think deeply, think seriously, and enlighten yourself. That is how we can transcend our mind, I think. Thank you, sir. Yeah. मुझे ऐसा लगता है सुधा जी कि हायर मेंटल एंड लोअर मेंटल को हम अगर समझे तो हमारे व्यवहार में वासना देह के वशीभूत होकर लोअर मेंटल एक्ट करता है, जिसमें हम किसी का इंसल्ट कर देते हैं या भला भला बुरा कह देते हैं, देने के बाद वो आदमी इंसल्ट फील करता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप के अंदर से ही एक प्रेरणा आती है कि आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना, करने वाले भी आप, उस वक्त आपने तो कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद आपको ही आपका मन कचोटता है, आपको टॉर्चर करता है कि आपने गलत किया, और उस वक्त आदमी प्रेरित होकर उस व्यक्ति के पास जाकर हम क्षमा मांगते हैं, और ये क्षमा मांगने का जो भाव आपके अंदर किसने लाया, कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति भी आपको क्षमा मांगने के लिए विवश नहीं कर सकता था, मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन जिस अंतर की आपकी ज्योति ने आपको ही आपके कान पकड़ के कहा कि सुधा जी आपने ठीक नहीं किया, तो आप एक घंटे के बाद उस आदमी के पास जाते हो, कहते हो कि जब भी मैं भावावेश में कुछ कम ज्यादा भूल दिया, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करना। अब ये दो व्यक्ति आप ही हो, करने वाले भी और क्षमा मांगने वाले, तो आपके अंदर जिसने परिवर्तन लाया वो है हायर माइंड, और अक्सर हम उसको हमेशा स्किप करते हैं। ये फर्क है, ये मुझे लगा आपको। ये बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहता है? Okay, we will move towards closing then. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Lokhte ji, for enlightening lecture. Thank you, Shundi ji, for contributing. And let's all end. Asatoma Gamay Tamasoma Jyotir Gamay Prithyorma Amritam Gamay Om Shant Shant. थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी को, शिंदे जी को बहुत अच्छा डिटेलिंग की उन्होंने, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विमल जी, थैंक यू, गुड नाइट।